हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार में बहुत ही अच्छा एक लेसन लाया हूं। लेसन हमारा आज स्ट्रमिंग पैटर्न होने वाला है, जिसमें मैं जो बीट लाया हूं, जो रिदम लाया हूं, वो मैं लाया हूं 6/8। तो आई चलते हैं 6/8 को भी सीखते हैं। इससे पहले मैं जो लेसन लाया था वो 2/4, मतलब 2/4 था। तो आज हम लोग 6/8 सीखेंगे। देखिए 6/8 क्या है, जैसे 3/4 होता है, 3/4, तो 3 का प्लस 6 हो गया, 4 का प्लस उधर हो गया हमारा 8, तो 6/8, मतलब इसका रिदम थोड़ा फास्ट होगा। अब गाना स्लो हो या गाना फास्ट हो, यानी काउंटिंग इसकी क्या होती है, जैसे आप चल रहा है इसमें, पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। गाने इसमें कौन से, गाना मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, इम्तिहान हो गई इंतजार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन 1 2 3 की काउंटिंग है। अब 1 2 3 जैसा कहीं पर कुछ गैप है, कहीं पर स्ट्रमिंग है, जैसे ओ आई ना कुछ खबर मेरे यार। तो इसमें गाने बहुत से हैं, गाने देखेंगे, लेकिन हम किसी गाने को नहीं सिखाएंगे, बस आज हम लोग का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, ठीक है, तो इसे गिटार पर बजाना सीखेंगे। और सीखने से पहले आपको वही काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज का ये वीडियो, आज का लेसन आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो जल्दी से सीख लेते हैं। आइए गिटार होल्ड करिए अपना अपना। तो मैंने कॉर्ड तो ई माइनर ली है, कॉर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ई माइनर ओपन कॉर्ड ली है, फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, कॉर्ड आपने लगाई तो पहला जो स्ट्रमिंग है वो देखिएगा ध्यान से। जो पहला स्ट्रमिंग है, आप डायग्राम पे देखिए, डिस्प्ले पे आ चुका है इसका फिगर, उसमें देखिए आपका एक एरो डी पे बना हुआ है, डी मतलब डाउन, तो हाफ बना हुआ है, ठीक है। तो डाउन होगा आपका ऐसे, तो डाउन आपको पूरा स्ट्रमिंग, मतलब मींस पूरे स्ट्रिंग्स पे नहीं करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जो बास नोट आता है ठीक है, तो जो हमारा बास नोट है वो 6/5/4 भी आप ले सकते हैं, या 6/5 पर भी स्ट्रमिंग पड़े कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं देखकर यहां बजाने की हमारा 4 तक जा रहा, नहीं कोई मतलब नहीं, 6/5 भी हो सकता है, 6/4 स्ट्रिंग तक भी पहला स्ट्रमिंग हो सकता है डाउन। तो डाउन फिर अप, अब अप में क्या हो रहा है, देखिए अप में पूरा नहीं हो रहा, अप में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक जा सकते हैं आप, बस बास नोट मतलब जो इसका 6/5 नंबर है वहां पर आपका स्ट्रमिंग नहीं होना चाहिए सेकंड वाले स्ट्रोक में। तो पहला हो गया डाउन फिर अप, तो एक प्रैक्टिस आप ये भी कर सकते हैं, डाउन अप, देखिए हाफ हो रहा है, डाउन अप डाउन अप। अब आप देखेंगे मेरा जो नीचे का अप हो रहा है वो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड तक भी टच हो रहा है, फोर्थ पे भी नहीं जा रहा है। अगर आप लोगों का फोर्थ पे थर्ड पे भी टच हो रहा है या फोर्थ तक जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे वो चीजें अपने आप फील के साथ बजने लगेंगी जैसे जैसे आप गाने को सुनोगे, है ना। कि देखिए इसके भी वेरिएशंस होंगे, ठीक है। तो पहला तो ये आपका हो गया डायग्राम, देखिए तो पहला हो गया डाउन अप, फिर वहीं पर डाउन और फिर वहीं पर अप, बस एक बार स्ट्रमिंग। अगर इसमें चार स्ट्रमिंग आपको करनी है, चार बार स्ट्रोक करना, तो पहला स्ट्रोक 1 है जो ऊपर से, फिर 2 नीचे से, फिर 3 वहीं से है, हाफ नोट है मतलब हाफ स्ट्रिंग से, फिर हाफ स्ट्रिंग अप है, और फिर ठीक है, फिर से देखिए अब इसको सर्कल में लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो पहले गाना देख लेते हैं। तो मैं बोलूंगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर से देखिए बहुत गौर से इसमें फोकस करिए, डाउन अप फिर डाउन फिर अप, तो हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला है, डाउन अप 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 डाउन अप, ठीक है। दूसरा डायग्राम भी आप देख, जहां पर मैंने स्ट्रिंग्स नंबर डाल रखे हैं 6/5/4/3/2/1, ऊपर 6 होता है तो मैंने वैसे बना था कि अब पहला स्ट्रोक समझ में है कि हम 6 से लेके 4 तक स्ट्रोक कर रहे हैं। तो ये डाउन कैसे, देखिए यहां से ए मेजर पे देख लेते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यहां यहीं से देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब ये गाने तो कहीं से भी बज सकता है, कॉर्ड तो कोई भी लग सकती है ना, ठीक है। तो सर जी के ठीक है, यहां भी देखते हैं, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब देखिए इसमें प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा कहीं पर, बस आपने कॉर्ड रख ली, बजा रहे हैं, चेंज करा
लगाइए, फिर सी मेजर, डी मेजर, बी मेजर। तो वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो कॉर्ड्स की, ठीक है। तो इसमें पहला क्या, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब देखिए फर्स्ट से यहां पे, फिर डाउन भी यहां से, फिर तो पहला जो आपका डाउन आएगा वो सिर्फ सिक्स फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। बाकी देखिए पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, बाकी सब नीचे से बज रहा है। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर से देखिए और थोड़ा क्लोज करता हूं इसको, देखिएगा फोकस करिए इस पे। डाउन अप 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 डाउन अप। जब आप डाउन स्ट्रमिंग पहला स्ट्रमिंग करेंगे तो हल्का सा गैप है कहां पे, सेकेंड वाले स्ट्रमिंग, कैसे, डाउन अप 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 डाउन। दूसरा गाना भी देख लेते हैं, वैसे हर गाने का स्किल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मैं यही से बजाऊं जैसे गाना है। पुकारता चला हूं मैं, पहला ऊपर है, बाकी सब हाफ हाफ स्ट्रिंग्स पे, मतलब पहला यहां से वन, फिर जो टू हाफ, थ्री हाफ और फोर हाफ, फोर स्ट्रमिंग हो रहा है इसके अंदर, तो वन टू थ्री फोर। तो देखिए चला हूं, ये भी गाना माइनर स्केल से, और इम्तहा होगी वो भी माइनर है, इम्तहा होगी तो स्केल सेम है, ई माइनर से ही गाना, मैंने इसको एक लेसन में सिखाया भी, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं इसका इंट्रो पार्ट जो बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे है। वहां पर आप जाके सीख सकते हैं मेरे चैनल पे, ये इसका इंट्रो मैंने बजाया हुआ है, सिखाया हुआ है। दूसरा गाना अगर हम देखेंगे पुकार देला, वो गाना सी माइनर स्केल से, तो मैंने ई माइनर से उसको बताया कि अब सी माइनर से बजाएंगे तो ऐसे बज जाएगा। पुकारता चला हूं मैं, देखिए डाउन ऊपर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रेशर रिलीज हो रहा है इस गाने पे, रिलीज मतलब ये इसका सेकंड वेरिएशन है, पहले वेरिएशन में नहीं हो रहा था प्रेशर, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं कहां पे हो रहा, थर्ड वाले पे हो रहा, कैसे, वन टू थ्री, यहां प्रेशर ली, फिर फोर वाला स्ट्रमिंग ऐसे कर दी जो कि अप पे खत्म हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं ना। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो डाउन अप डाउन अप। अगर इस गाने को बजाते हैं या बहुत से गाने, जैसे आप जैसे गाना और आप बजाएंगे, जैसे ये बजाएंगे आप, ये मैंने एफ मेजर लिया गाना, देखिए इसमें भी सेकंड वेरिएशन क्या लगा है इस गाने में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, यहां पे पुकारता चला में भी सेम वेरिएशन लगा हुआ है, तो यहां पर आपको थर्ड पे प्रेशर रिलीज करना है। देखिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, सी माइनर स्केल लेता हूं, कहां पे रिलीज करना है, डाउन अप डाउन, तो यहां पे करना है डाउन अप डाउन, प्रेशर मतलब साउंड को बिल्कुल बंद कर देना, कैसे, आप प्रेशर छोड़ेंगे साउंड अपने आप म्यूट हो जाएगा, पूरा साउंड बंद हो जाएगा, कैसे, और फोर कैसे, डाउन अप डाउन अप, तो वन टू थ्री फोर, थ्री पे करना है वन टू थ्री, और थ्री क्या है हमारा डाउन है, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये इसका सेकेंड वेरिएशन, पहला वेरिएशन का जो गाना था वो हमारा क्या है, इंतहा, जहां पर प्रेशर रिलीज है ही नहीं, इंतजार की। अब आप इसको ऐसे बजा सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या रिदम है। मैं फिर से थोड़ा सा और इसको समझा दे रहा हूँ एक बार, पहला तो विदाउट प्रेशर रिलीज वाला जो कि ये ऐसे बजेगा, अप डाउन, मेरा हाथ देखिए, डाउन अप 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 डाउन अप। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं जिसमें प्रेशर रिलीज हो रहा है, ठीक है, जहां पर हम जिसको हम लोग हिंदी में पंप बहुत बोलते हैं, पंपिंग करना, पंप करना, ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा गाना एफ मेजर से, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें थर्ड पर प्रेशर रिलीज करना है, तो क्या करना है, डाउन अप डाउन अप, तो डाउन अप डाउन अप। अभी मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन। तो अब देखिए यहाँ पर डाउन में पूरा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बास नोट का ट्रेवल भी ले रहा हूँ, तो वो गाने के वेरिएशन के हिसाब से आपको वहां पर खुद ही क्लू मिल जाए कि वो कैसा रिदम बज रहा है। जैसे बज रहा है, पुकारता चला भी ले, सेम वेरिएशन है इसी गाने का, जैसे मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तो वो गंदगी स्केल, इसका इसके लिए मैंने एफ मेजर लिया था, मैं कोई ऐसा गीत, आप एफ मेजर से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी मैंने से देख लेते हैं इस गाने को, पुकारता चला भी। अब पुकारता चला का मैंने कॉर्ड्स और इसका पूरा जो लेसन मैंने अपने चैनल पे बनाया हो, तो आप वहां जाके पूरा ये गाने को सीख सकते हैं। इसका इंट्रो पार्ट जो कि ऐसे बजा है, वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं चैनल पे जाके पुकारता चला आपको मिल जाएगा, उसको सीखे, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। तो इसको भी सीखते हैं, इसके दूसरा सेकंड वेरिएशन इसको भी सीख लेते हैं, जो कि मैं कोई ऐसा गीत गाँव के ही जैसा है। आज गर्मी बहुत बढ़ गई है, और जैसा कि आप सभी को महसूस होगा जो यूपी में रहते हैं, उनको लग रहा होगा कि हाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है संगीत को, संगीत तो एवरग्रीन है। तो करते हैं इसको भी, पुकारता चला हूं मैं। टेम्पो आपको ले ली, जो जिस जैसे गाने की स्पीड अगर उस स्पीड में नहीं गा पा रहे तो स्लो करके, देखिए सीखना तो स्लो करके ही सीखना पड़ेगा। जब परफॉर्म करें तो उसके टेम्पो अगर 100 से आप 98 भी कर सकते हैं, या 80 भी कर सकते हैं, या उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो गाना खराब हो सकता है, तो वो अपना अपना एक फील है, अपने हिसाब से बजेगा, ठीक। तो आइए इसको देख लेते हैं, बस भाई थर्ड पे पैसा रिलीज करना कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1, और जल्दी से पकड़ लें ताकि आपको अब भी तो बजाना है, तो प्रेशर रिलीज 3 4 3 4 3 और 4। तो ये देखिए अला हाथ देखिएगा, 3 4 तो 3 4 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 तो 1 2, देखिए डाउन अप 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 डाउन अप। आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस 6-8 पर कौन कौन से गाने हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं एक नए और एक और अच्छे वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच।